Welcome to SR English Institute. This is R. Sharma. Today I'm going to talk about the subject and predicate. यानी आज मैं subject तथा predicate के बारे में बात करने जा रहा हूँ. तो let's start this video lecture. ध्यान दीजिए, subject का अर्थ होता है कर्ता तथा predicate का अर्थ होता है विधेय. यानी इसे और अच्छी तरह समझने के लिए हमें simple sentence की ओर जाना पड़ेगा. यानी किसी या प्रत्येक सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं. पहला पार्ट सब्जेक्ट का होता है और दूसरा प्रेडिकेट का. इन दोनों पार्ट को सब्जेक्ट तथा प्रेडिकेट कहा जाता है. कभी कभी सेंटेंस के अजब गजब रूप ही देखने को मिलते हैं. यानी आम तौर पर किसी वाक्य का सब्जेक्ट शुरू में होता है, उसके बाद प्रेडिकेट होता है. लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस मिलते हैं जिसमें सब्जेक्ट वाक्य के बीच में मिलते हैं. कुछ ऐसे भी सेंटेंस मिलता है जिसमें सब्जेक्ट वाक्य के अंत में मिलता है. अगर इन अजब गजब रूपों को अच्छी तरह नहीं समझ पाए तो उस सेंटेंस का अर्थ अच्छी तरह नहीं लगा सकते. तो इन्हीं सेंटेंस के अजब गजब रूपों को समझने के लिए आज हम सब्जेक्ट तथा प्रेडिकेट को बताने जा रहे हैं, जिसे ध्यान से देखना जरूरी होगा. तो सबसे पहले हम सेंटेंस को समझा रहे हैं, इसके बाद सब्जेक्ट तथा प्रेडिकेट में चलेंगे. सिंपल सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस क्या होता है, थोड़ा सा इस पर नजर डाल लें हम लोग. इट हैज वन पार्ट. यानी इट हैज अ सब्जेक्ट. यानी कह सकते हैं अ सिंपल सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट, यानी वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट. यानी किसी सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है. सच सेंटेंस इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस. कह सकते हैं सच अ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस. यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं ईच सेंटेंस हैज टू पार्ट. प्रत्येक सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट एंड द सेकेंड वन इज प्रेडिकेट. इज आप प्रेडिकेट कह सकते हैं. सच पार्ट्स यानी ऐसे पार्ट्स या सच टू पार्ट्स भी कह सकते हैं आर कॉल्ड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. यानी प्रत्येक सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं. एक पहला पार्ट जो होता है सब्जेक्ट का होता है, दूसरा पार्ट वो प्रेडिकेट का होता है. ऐसे पार्ट्स को सब्जेक्ट तथा प्रेडिकेट कहा जाता है. इसको समझें तो किसी सिंपल सेंटेंस में, यानी जैसे हम लोग सिंपल सेंटेंस को इट्स इंडिकेट किए हैं, यानी इट हैज वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट. या ये भी कह सकते हैं सेंटेंस विच हैज वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट. सच सेंटेंस इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस. जैसे राम हेल्प द पुअर. यहां देखें तो यहाँ पर सब्जेक्ट राम हुआ और हेल्प द पुअर यानी सब्जेक्ट को निकालिए तो बाकी जो हिस्सा बच जाता है, यानी तो बाकी जो हिस्सा यानी प्रेडिकेट कहलाता है.
तो ये सब्जेक्ट हुआ और ये प्रेडिकेट हुआ, तो ये दोनों मिलकर के सिंपल सेंटेंस का निर्माण किया। यानी किसी भी सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है। यानी सब्जेक्ट को निकाल लेंगे तो बाकी हिस्सा प्रेडिकेट बचेगा, या प्रेडिकेट को निकाल लेंगे तो उसका बाकी हिस्सा सब्जेक्ट मिलेगा। अब यहां हमें सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्ता, इसको प्रजा भी कहते हैं और विषय भी कहते हैं। इसको हम लोग आश्रित भी कह सकते हैं, जब कर्ता है यानी करने वाला है तो किसी काम को कर रहा है यानी किसी पर आश्रित है वो। तो ध्यान दीजिए, हम लोग कर्ता के सेंस में पढ़ने जा रहे हैं। यहां पर सब्जेक्ट क्या होता है, तो इट इज अ वर्ड, यानी सब्जेक्ट एक वर्ड होता है या और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। यानी एक शब्द में भी मिलता है और शब्दों के समूह में भी मिलता है। विच समथिंग इज, या अबाउट विच भी का ज्यादा बेहतर होगा, अबाउट विच, जिसके बारे में समथिंग इज सेड, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। यानी कर्ता क्या होता है, तो कर्ता एक शब्द में भी पाया जाता है और शब्दों के समूह में भी पाया जाता है। यानी एक शब्द का भी कर्ता होता है और शब्दों के समूह यानी दो या दो से अधिक शब्द में भी मिलता है। अबाउट विच, जिसके बारे में समथिंग, THING, समथिंग इज सेड, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, कहाँ, तो इन द सेंटेंस, इन द सेंटेंस यहाँ जोड़ लीजिए। यानी कि कर्ता एक शब्द में भी होता है और शब्दों के समूह में भी होता है, जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाता है उसे कर्ता कहा जाता है। यानी यहाँ ध्यान दीजिए, स्पष्ट हो जाएगा। जैसे दे आर प्लेयर, तो यहाँ पर कह रहा है कि प्लेयर्स, वे लोग खिलाड़ी हैं। यानी कि वे खिलाड़ी हैं, तो कौन खिलाड़ी है, तो ये कर्ता के बारे में कहा जा रहा है खिलाड़ी होने का। यानी यहाँ पर सब्जेक्ट एक शब्द में आया और शब्दों के समूह में भी मिलेगा, द प्लेयर्स ऑफ इंडियन टीम आर स्ट्रॉन्ग, यानी इन भारतीय टीम के खिलाड़ी मजबूत हैं। यानी कि यहाँ पर देखें तो भाव के पहले जो पार्ट मिला वो सब्जेक्ट का मिला, और यहाँ पर सब्जेक्ट कितने वर्ड में है, 1, 2, 3, 4, 5 वर्ड्स में है, यानी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स में है, जिसे सब्जेक्ट कहा जाता है। और ये क्या कर रहा है कि ये क्या है, तो ये स्ट्रॉन्ग है। यानी कि वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जा रहा है, तो क्या कहा जा रहा है, भारतीय टीम को मजबूत होने की बात कहा जा रहा है। तो ऐसे को, ऐसे वर्ड्स को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सब्जेक्ट कहा जाता है। दूसरा एग्जाम्पल यदि या डिफिनीशन यदि उठाएं, तो एक दूसरा एक इस पर डिफिनीशन है, यानी कि सब्जेक्ट वाक्य में कुछ करता है। यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जा रहा है और सब्जेक्ट वाक्य में कुछ करता है। यानी कह सकते हैं सब्जेक्ट का दूसरा डिफिनीशन के रूप में, इट इज अ वर्ड और
और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज या डू भी कह सकते हैं, क्योंकि वर्ड के अनुसार डज का प्रयोग होगा और वर्ड्स के अनुसार डू का प्रयोग होगा. विच डज या डू समथिंग इन द सेंटेंस, यानी यह है एक शब्द या शब्दों का समूह में होता है जो वाक्य में कुछ करता है. जैसे आई रूट अ बुक, कह रहा है कि मैं किताब लिखता हूँ. तो काम क्या करता हूँ, तो मैं किताब लिखने का काम करता हूँ. यानी कि इसमें आई जो है ये काम कर रहा है लिखने का, यानी कि सब्जेक्ट इसमें क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है जो एक शब्द में है. अब यहीं पर दूसरा लीजिए, द प्लेयर्स ऑफ इंडियन टीम प्लेस वेरी वेल, यानी भारतीय टीम के खिलाड़ीगण अच्छी तरह खेलते हैं. तो यहाँ पर काम क्या कर रहे हैं, खेलने का कर रहे हैं, यानी कि इसमें वाक्य में कुछ कर रहे हैं. इसलिए ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट है, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 वर्ड्स में सब्जेक्ट यहाँ मिला. यानी सब्जेक्ट का कार्य मुख्यतः वाक्य में कुछ करने का होता है, या सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है तो वो भी सब्जेक्ट होता है. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब्जेक्ट को अच्छी तरह समझ गए होंगे. और प्रत्येक सेंटेंस को मैं हिंदी में भी बोलते जा रहा हूँ, किसी को भी यदि समस्या हो तो आप उसी वक्त बोलते वक्त ही आप वन बाय वन कर वीडियोस को रोक कर लिखते जाएं. नेक्स्ट जो पार्ट है आपका, ये आपका प्रेडिकेट का बचा, जो लास्ट पार्ट होगा, यानी प्रेडिकेट क्या होता है. ध्यान दीजिए, प्रेडिकेट जिसको हिंदी में हम लोग विधेय भी कहते हैं, इसको हम लोग विशेषण भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वाक्य में विशेषता बताने के कार्य करता है. जिसे एडजेक्टिव भी कहा जा सकता है. इसे डिटरमाइनर भी कहते हैं. डिटरमाइनर कहें या DECIDER या डिसाइडर, यानी वाक्य में ये निश्चित करने का काम करते हैं, डिसाइड करने का कार्य करते हैं कि वो कोई वस्तु क्या है या नहीं है, या व्यक्ति क्या है या नहीं है. तो ध्यान दीजिए, प्रेडिकेट क्या है. तो ये भी इट इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी एक शब्द मिलता है और शब्दों के समूह में मिलता है. विच से या सेज समथिंग इन द सेंटेंस, जो कुछ कहता है वाक्य में, कुछ कहता है, डैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट. या ये भी कह सकते हैं विच से समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, अबाउट सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, इन द सेंटेंस. यानी यह वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है. यानी यह ये भी एक शब्द में होता है और शब्दों के समूह में भी पाया जाता है, जो वाक्य में कुछ कहता है उसे
जो वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है उसे प्रेडिकेट कहा जाता है। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, तो हम लोग दो पार्ट में हमको लेना पड़ेगा यहाँ पर, एक सब्जेक्ट, अब दोनों को हम लोग एक साथ समझ लें, एक सब्जेक्ट का पार्ट लेते हैं और एक प्रेडिकेट का पार्ट लेते हैं। अब ये दोनों पार्ट को हम लोग ऐड करने जा रहे हैं। जैसे आई थोड़ा इधर लिख देते हैं प्रेडिकेट को, या उधर ही ठीक होगा प्रेडिकेट। तो देखिए आई आई नो, ये दो पार्ट में मैं कर दे रहा हूँ, आई 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 हेल्प द पुअर, या हम लोग सबसे पहले हम लोग एक शब्द वाले को पढ़ें, आई नो मैं जानता हूँ। तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट हुआ और एक प्रेडिकेट यानी एक शब्द में हो गया, यानी कि भव हो या भव के साथ और भी शब्द हो तो वो सब प्रेडिकेट ही कहलाता है, यानी सब्जेक्ट को छोड़ बाकी जो पार्ट्स हैं वाक्य वो प्रेडिकेट कहलाते हैं। इसलिए सब्जेक्ट निकाल लिए तो भव जो बचा वो प्रेडिकेट हुआ। दे प्ले, वे लोग खेलते हैं, तो ये प्रेडिकेट हुआ, यानी एक एक शब्द में, यानी एक शब्द का सब्जेक्ट भी होता है और एक शब्द का प्रेडिकेट भी होता है। ये जरूरी नहीं है कि एक शब्द इधर भी हो तो इधर भी हो, यहाँ दो से अधिक भी शब्द हो सकता है, इधर एक शब्द भी हो सकता है, इधर दो से अधिक शब्द हो सकता है, इधर भी एक शब्द में भी हो सकता है। जैसे जैसे द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, स्टूडेंट मीस लगाना पड़ेगा, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर लेबोरियस। तो यहाँ देखिए दो पार्ट में आया, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5 वर्ड्स का हुआ, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट हो गया और यहाँ भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में हो गया, यानी कि सब्जेक्ट एक शब्द में भी होता है और शब्दों के समूह में भी होता है, और प्रेडिकेट भी एक शब्द में होगा और या शब्दों के समूह में भी होता है। जैसे और भी दे दीजिए, राम बॉट पेन कॉपी एंड बुक, यानी राम एक कलम, एक कॉपी तथा एक किताब खरीदा। तो यहाँ देखिए हमारा जो प्रेडिकेट हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6 छः शब्द में हुआ, यानी शब्दों के समूह में आ गया और यहाँ पर एक ही शब्द में हुआ, यानी कि सब्जेक्ट एक शब्द में यहाँ दिखा और ग्रुप ऑफ वर्ड्स में प्रेडिकेट दिखा, तो इसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहा जाता है। यहाँ द ए स्मॉल इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल गर्ल्स आर डांसिंग, यहाँ पर छोटी तेज और सुंदर लड़कियाँ नाच रही है। तो यहाँ देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स में हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स शब्द में सब्जेक्ट हुआ और यहाँ 2 शब्द में प्रेडिकेट हुआ। तो ऐसे दोनों जोड़ को ग्रुप वर्ड्स भी कह सकते हैं या इसको सब्जेक्ट या प्रेडिकेट भी कहा जाता है, यानी कि सेंटेंस भी शब्दों के ही समूह में होता है, यानी कि ये भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी पूरे सेंटेंस को मिला जाए तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों मिलकर के ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुए, या अलग अलग बात किया जाए तो सब्जेक्ट भी अपना एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स बना लेता है, प्रेडिकेट भी बना लेता है, या सब्जेक्ट भी एक शब्द में होता है, प्रेडिकेट भी एक शब्द में होता है। तो ऐसे दोनों के तालमेल को सब्जेक्ट तथा प्रेडिकेट कहा जाता है। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के ये जो तालमेल हैं ये अजब गजब रूप दिखते हैं, ये तो यहाँ दिखा अच्छा दिखा, यानी हमारा जनरली जो सब्जेक्ट होता है हमारा शुरू में ही मिलता है उस तरह से इसमें दिखा, लेकिन जब इसका रूप हमें थोड़ा अजब गजब दिखने लगता है, यानी कि थोड़ा सा हम डिफरेंस इसका रूप देखने लगते हैं। जैसे ध्यान दीजिए,
अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ और यहाँ आप नोट कर सकते हैं कि कभी कभी या ये भी कह सकते हैं आम तौर पर सब्जेक्ट किसी वाक्य के शुरू में होता है और तब प्रेडिकेट होता है, लेकिन कभी कभी यहाँ पर कह सकते हैं कभी कभी जोर देने के लिए, वाक्यों पर जोर देने के लिए सब्जेक्ट को वाक्य के अंत में भी रखा जाता है। जैसे यहाँ आप नोट में ये लिख लीजिएगा कि कभी कभी वाक्यों पर जोर डालने के लिए सब्जेक्ट को वाक्य के अंत में भी लिखा जाता है या प्रयोग किया जाता है। जैसे बेयर फुटेड, यानी कह सकते हैं इसको नंगा पैर, बेयर फुटेड केम द बेगर, या बेयर फुटेड केम द, या बेयर फुटेड केम सुदामा, ऐसा आपको कहानी में देखने को मिल जाएगा, यानी खाली पैर सुदामा ने आए, या खाली पैर बेगर ने आए यहाँ पर, या कह सकते हैं खाली पैर भिखारी आया और वहाँ पर खाली पैर सुदामा ने आया, यानी सुदामा खाली पैर आने की बात कह सकते हैं, और यहाँ पर बेगर की बात कह रहे हैं तो हम लोग भिखारी खाली पैर आया। तो यहाँ पर हमारा देखें तो ये जो दोनों रूप है ये प्रेडिकेट क्या है और यहाँ पर सब्जेक्ट है, यानी कि हम लोग थोड़ा जोर डाल रहे हैं कि वो आया कैसे, तो खाली पैर आया। कुछ आप अजब मीन्स उस सेंटेंस को यानी उसको देख करके आपको ऐसा लगा, इतना दूसरे ऐसा फील हुआ कि आप सेंटेंस के सब्जेक्ट को शायद भूल कर या इतना जोर डाले कि हमारा पहले उसका जो नज़र आया उसका अलग रूप उसको प्रयोग कर दिए और तब जाकर सब्जेक्ट को आप प्रयोग किए। तो ये सेंटेंस पर जोर डालने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, कभी 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 हम लोग सेंटेंस को एकाएक आवश्यकता होता है बोलने के लिए, उसमें भी ऐसा बात निकल जाता है सरप्राइज के तौर पर। तो कभी कभी अगला पॉइंट ध्यान रखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि सेंटेंस हमारा बीच में भी मिलता है। जैसे अब ये सेंटेंस हमारा इसमें भी कह सकते हैं कि सेंटेंस पर जोर डालने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। जैसे आफ्टर अ लॉन्ग बैटल, यानी लंबी लड़ाई के बाद, द इनेमी एट लीस्ट SURRENDERED सरेंडर्ड, यानी आफ्टर ए लॉन्ग बैटल, यानी लंबी लड़ाई के बाद, इनेमीज यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारा प्रेडिकेट एक आया, सब्जेक्ट हमारा यहाँ आ गया और सब्जेक्ट को निकाली तो बाकी जो हिस्सा बचा वो प्रेडिकेट ही हुआ, यानी कि हम सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते हैं आफ्टर अ लॉन्ग बैटल एटलीस्ट, या कह सकते हैं द इनेमी एटलीस्ट सरेंडर या सरेंडर्ड आफ्टर अ लॉन्ग बैटल। फिर से समझिए, द इनेमी एटलीस्ट सरेंडर्ड आफ्टर अ लॉन्ग बैटल, यानी कि लंबी लड़ाई के बाद इनेमी है यानी दुश्मन है वो अंततः वो सरेंडर कर ही दिया। इसको ऐसे भी कह सकते हैं द बेगर केम वेयरफुट या वेयरफुटेड, यानी बेगर ने नंगा पैर आया। कभी कभी यानी यहाँ क्या मिला कि सेंटेंस के अंत में मिला, यहाँ सेंटेंस के सब्जेक्ट बीच में मिला और कभी कभी सेंटेंस के बीच में ये भी मिल सकता है। जैसे हम लोग इंटोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जैसे हैज ही been played for 2 hours, यानी क्या वो 2 घंटों से
खेल चुका है या खेलते आ रहा है आईएनजी कर दीजिए। क्या वह दो घंटा से खेलते आ रहा है या खेल रहा है, तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट आया वो सेंटेंस के बीच में ही आया, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी जनरली हमारा बीच में मिलता है। कभी कभी सेंटेंस का रूप ऐसा भी मिलता है जो सेंटेंस के अंत में भी मिलता है, तो वो किस कंडीशन में मिलता है, तो ध्यान देखिए कि जब कोई सेंटेंस देयर से शुरू करते हैं, तो देयर से सेंटेंस शुरू करते हैं तो और उसके बाद एक वर्ब का प्रयोग करते हैं, और ये चाहे वो वर्ब एक्चुअली वर्ब हो या मेन वर्ब हो, उसके बाद यहाँ जो नाउन आता है और इसके बाद अदर वर्ड्स आ भी सकते हैं यहाँ पर, तो यही वाक का मेन सब्जेक्ट माना जाता है। ऐसे तो आमतौर पर यहाँ पर सब्जेक्ट देखने के लिए यहाँ शुरू में देयर का प्रयोग हुआ है, लेकिन देयर वाले किसी भी सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट हमारा वर्ब के बाद प्रयुक्त नाउन ही होता है। जैसे देयर वॉज अ किंग देयर, वहाँ एक राजा रहता था, तो यहाँ एक्चुअली वर्ब है, एक्चुअली वर्ब के बाद यहाँ जो नाउन आ रहा है वही या यही वाक्य का हमारा मेन सब्जेक्ट हुआ। ऐसे भी प्रश्न कर सकते हैं कि इस सब्जेक्ट को पता करने के लिए कौन सा प्रश्न किया जाता है, तो उस जो आने वाला उत्तर जो होता है वाक्य का सब्जेक्ट होता है। ये हम लोग हिंदी में पहचान के तौर पर पढ़ेंगे डिटेल में। तो ध्यान दीजिए, कौन, देयर वॉज अ किंग देयर, वहाँ कौन था या कौन रहता था, तो उत्तर हमारा जो आएगा वो अ किंग रहता था, इसलिए ये सब्जेक्ट हमारा किंग हुआ और किंग एक नाउन है। कभी कभी सब्जेक्ट, कभी कभी सब्जेक्ट हमारा ईट के बाद में जो वर्ब आता है उसके बाद एक एडजेक्टिव आता है, और एडजेक्टिव के बाद यहाँ इन्फिनिटिव के रूप में कोई शब्द आते हैं वही वाक्य का सब्जेक्ट होता है। जैसे मेन सब्जेक्ट कह सकते हैं इट इज डिफिकल्ट टू से, कहना कठिन है। यहाँ हिंदी देखिए, हिंदी से पहचान में आ जाएगा, कहना कठिन है, तो क्या है, तो कहना, सॉरी से या करना थोड़ा अच्छा लगेगा, करना कठिन है, यानी इट इज़ डिफिकल्ट टू डू, करना कठिन है, और इट इज़ ईजी टू से, तो टू से वहाँ हो जाता है, यदि से लिखते तो यहाँ पर, यहाँ टू डू, तो टू डू यानी करना जो है कठिन है, तो करना यहाँ वाक्य का सब्जेक्ट हुआ इन्फिनिटिव के रूप में। कभी कभी इम्परेटिव सेंटेंस में या इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आई एम पी ई आर ए टी आई वी, इम्परेटिव सेंटेंस, कभी कभी इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा छिपा होता है यू के रूप में, और सेंटेंस भीवन से शुरू होता है, यानी यू यहाँ नहीं होता है, भीवन प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट और फुल स्टॉप होता है। जैसे फुल स्टॉप है, जैसे हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, तो यहाँ कौन करो, तो यू, सामने वाले व्यक्ति, इसलिए यहाँ पर यू छिपा हुआ है, तो सब्जेक्ट हमारा यू छिपा हुआ होता है। ऐसे सेंटेंस में हमें समझना पड़ता है कि यू ही होता है, क्योंकि यहाँ भीवन से शुरू है और भीवन से शुरू है, भीवन पूर्ण रूप में होता है, इसलिए सब्जेक्ट यहाँ यू हमेशा यू ही पूर्ण रूप में माना जाता है, क्योंकि यू पूर्ण ही माना जाता है, अंग्रेजी में सिंगुलर नहीं माना जाता है, चाहे वो सिंगुलर रूप में यू को भले ही प्रयोग कर ले हम, लेकिन उसको पूर्ण ही मानते हैं। कम इन टाइम, समय पर आओ, तो यहाँ पर यू कम इन टाइम, या गो एक शब्द में भी हो सकता है, और ये सब, ये जो सब्जेक्ट छिपा है इसका मतलब कि सब्जेक्ट जब छिप गया तो ये बाकी जो पार्ट बचा वो क्या है, प्रीडिकेट हुआ, यानी कभी कभी सेंटेंस में केवल प्रीडिकेट ही देखते हैं, सब्जेक्ट नहीं दिखाई देता है, तो ऐसे सेंटेंस को समझिएगा कोई इंपरेटिव सेंटेंस है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। और ये गो, गो का मतलब यहाँ पर, यदि गो एक शब्द में है तो एक शब्द में होने का मतलब है कि गो बराबर हुआ यू गो, यहाँ पर कम बराबर हुआ, कम बराबर हुआ यू कम इन टाइम, समय पर आओ, यहाँ पर हेल्प द पुअर यानी यू
कम का मतलब हुआ कम, इन टाइम का मतलब हुआ यू कम इन टाइम, और यहाँ पर हेल्प द पुअर का मतलब हुआ यू हेल्प द पुअर। तो उम्मीद करता हूँ, लिख लीजिए यू हेल्प द पुअर, थोड़ा यहाँ इंक की कमी लग रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। वेलकम टू एसआर इंग्लिश इंस्टीट्यूट, दिस इज आर शर्मा। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यानी आज मैं सब्जेक्ट तथा प्रेडिकेट के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो लेक्चर। ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्ता तथा प्रेडिकेट का अर्थ होता है विधेय। यानी इसे और अच्छी तरह समझने के लिए हमें सिंपल सेंटेंस की ओर जाना पड़ेगा। यानी किसी या प्रत्येक सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट सब्जेक्ट का होता है और दूसरा प्रेडिकेट का। इन दोनों पार्ट को सब्जेक्ट तथा प्रेडिकेट कहा जाता है। कभी कभी सेंटेंस के अजब गजब रूप ही देखने को मिलते हैं। यानी आम तौर पर किसी वाक्य का सब्जेक्ट शुरू में होता है, उसके बाद प्रेडिकेट होता है। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस मिलते हैं जिसमें सब्जेक्ट वाक्य के बीच में मिलते हैं। कुछ ऐसे भी सेंटेंस मिलता है जिसमें सब्जेक्ट वाक्य के अंत में मिलता है। अगर इन अजब गजब रूपों को अच्छी तरह नहीं समझ पाए तो उस सेंटेंस का अर्थ अच्छी तरह नहीं लगा सकते। तो इन्हीं सेंटेंस के अजब गजब रूपों को समझने के लिए आज हम सब्जेक्ट तथा प्रेडिकेट को बताने जा रहे हैं, जिसे ध्यान से देखना जरूरी होगा। तो सबसे पहले हम सेंटेंस को समझा रहे हैं, इसके बाद सब्जेक्ट तथा प्रेडिकेट में चलेंगे। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, थोड़ा सा इस पर नजर डाल लें हम लोग। इट हैज वन पार्ट, यानी इट हैज अ सब्जेक्ट, यानी कह सकते हैं अ सिंपल सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट, यानी वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। यानी किसी सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। सच सेंटेंस इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस, कह सकते हैं सच अ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं, ईच सेंटेंस हैज टू पार्ट, प्रत्येक सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं। द फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट एंड द सेकेंड वन इज प्रेडिकेट, इज अ प्रेडिकेट कह सकते हैं। सच पार्ट्स, यानी ऐसे पार्ट्स या सच टू पार्ट्स भी कह सकते हैं, आर कॉल्ड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यानी प्रत्येक सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, एक पहला पार्ट जो होता है सब्जेक्ट का होता है, दूसरा पार्ट वो प्रेडिकेट का होता है। ऐसे पार्ट्स को सब्जेक्ट तथा प्रेडिकेट कहा जाता है।
इसको समझें तो किसी सिंपल यानी किसी सिंपल सेंटेंस में, यानी जैसे हम लोग सिंपल सेंटेंस को इट्स इंडिकेट किए हैं, यानी इट हैज़ वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट, या ये भी कह सकते हैं सेंटेंस विच हैज वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट, सच सेंटेंस इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। जैसे राम हेल्प द पुअर, यहां देखें तो यह यहां पर सब्जेक्ट राम हुआ और हेल्प द पुअर यानी सब्जेक्ट को निकालिए तो बाकी जो हिस्सा बच जाता है यानी बाकी जो हिस्सा यानी प्रेडिकेट कहलाता है। तो ये सब्जेक्ट हुआ और ये प्रेडिकेट हुआ, तो ये दोनों मिलकर के सिंपल सेंटेंस का निर्माण किया, यानी किसी भी सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, यानी सब्जेक्ट को निकाल लेंगे तो बाकी हिस्सा प्रेडिकेट बचेगा, या प्रेडिकेट को निकाल लेंगे तो उसका बाकी हिस्सा सब्जेक्ट मिलेगा। अब यहां हमें सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्ता, इसको प्रजा भी कहते हैं और विषय भी कहते हैं। इसको हम लोग आश्रित भी कह सकते हैं, जब कर्ता है यानी करने वाला है तो किसी काम को कर रहा है यानी किसी पर आश्रित है वो। तो ध्यान दीजिए, हम लोग कर्ता के सेंस में पढ़ने जा रहे हैं यहां पर। सब्जेक्ट क्या होता है, तो इट इज अ वर्ड यानी सब्जेक्ट एक वर्ड होता है या और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, यानी एक शब्द में भी मिलता है और शब्दों के समूह में भी मिलता है। विच समथिंग इज या अबाउट विच भी कह ज़्यादा बेहतर होगा, अबाउट विच जिसके बारे में समथिंग इज सेड, डैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। यानी कर्ता क्या होता है, तो कर्ता एक शब्द में भी पाया जाता है और शब्दों के समूह में भी पाया जाता है, यानी एक शब्द का भी कर्ता होता है और शब्दों के समूह यानी दो या दो से अधिक शब्द में भी मिलता है। अबाउट विच जिसके बारे में समथिंग THING समथिंग इससे जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, कहाँ तो इन द सेंटेंस, इन द सेंटेंस यहाँ जोड़ लीजिए, यानी कि कर्ता एक शब्द में भी होता है और शब्दों के समूह में भी होता है, जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाता है उसे कर्ता कहा जाता है। यानी यहाँ ध्यान दीजिए, स्पष्ट हो जाएगा, जैसे दे आर प्लेयर, तो यहाँ पर कह रहा है कि प्लेयर्स वे लोग खिलाड़ी हैं, यानी कि वे खिलाड़ी हैं, तो कौन खिलाड़ी है, तो ये कर्ता के बारे में कहा जा रहा है खिलाड़ी होने का, यानी यहाँ पर सब्जेक्ट एक शब्द में आया और शब्दों के समूह में भी मिलेगा, द प्लेयर्स ऑफ इंडियन टीम आर स्ट्रॉन्ग, यानी इन भारतीय टीम के खिलाड़ी मजबूत हैं, यानी कि यहाँ पर देखें तो भाव के पहले जो पार्ट मिला वो सब्जेक्ट का मिला, और यहाँ पर सब्जेक्ट कितने वर्ड में है, 1 2 3 4 5 वर्ड्स में है, यानी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स में है,
जिसे सब्जेक्ट कहा जाता है। और ये क्या कर रहा है कि ये क्या है, तो ये स्ट्रॉन्ग है, यानी कि वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जा रहा है। तो क्या कहा जा रहा है, भारतीय टीम को मजबूत होने की बात कहा जा रहा है। तो ऐसे वर्ड्स को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सब्जेक्ट कहा जाता है। दूसरा एग्जाम्पल यदि या डिफिनीशन यदि उठाएं तो एक दूसरा एक इस पर डिफिनीशन है, यानी कि सब्जेक्ट वाक्य में कुछ करता है। यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जा रहा है और सब्जेक्ट वाक्य में कुछ करता है, यानी कह सकते हैं सब्जेक्ट का दूसरा डिफिनीशन के रूप में इट इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज या डू भी कह सकते हैं, क्योंकि वर्ड के अनुसार डज का प्रयोग होगा और वर्ड्स के अनुसार डू का प्रयोग होगा। विच डज या डू समथिंग इन द सेंटेंस, यानी यह है एक शब्द या शब्दों का समूह में होता है जो वाक्य में कुछ करता है। जैसे आई रूट अ बुक, कह रहा है कि मैं किताब लिखता हूँ, तो काम क्या करता हूँ, तो मैं किताब लिखने का काम करता हूँ, यानी कि इसमें आई जो है ये काम कर रहा है लिखने का, यानी कि सब्जेक्ट इसमें क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है, जो एक शब्द में है। अब यहीं पर दूसरा लीजिए, द प्लेयर्स ऑफ इंडियन टीम प्लेस वेरी वेल, यानी भारतीय टीम के खिलाड़ीगण अच्छी तरह खेलते हैं। तो यहाँ पर काम क्या कर रहे हैं, खेलने का कर रहे हैं, यानी कि इसमें वाक्य में कुछ कर रहे हैं, इसलिए ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट है, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 वर्ड्स में सब्जेक्ट यहाँ मिला, यानी सब्जेक्ट का कार्य मुख्यतः वाक्य में कुछ करने का होता है या सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है, तो वो भी सब्जेक्ट होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब्जेक्ट को अच्छी तरह समझ गए होंगे, और प्रत्येक सेंटेंस को मैं हिंदी में भी बोलते जा रहा हूँ, किसी को भी यदि समस्या हो तो आप उसी वक्त बोलते वक्त ही आप वन बाय वन कर वीडियोज को रोक कर लिखते जाएं। नेक्स्ट जो पार्ट है आपका, ये आपका प्रेडिकेट का बचा, जो लास्ट पार्ट होगा, यानी प्रेडिकेट क्या होता है। ध्यान दीजिए, प्रेडिकेट जिसको हिंदी में हम लोग विधेय भी कहते हैं, इसको हम लोग विशेषण भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वाक्य में विशेषता बताने के कार्य करता है, जिसे एडजेक्टिव भी कहा जा सकता है। इसे डिटरमाइनर भी कहते हैं, डिटरमाइनर कहें या DECIDER या डिसाइडर, यानी वाक्य में ये निश्चित करने का काम करते हैं, डिसाइड करने का कार्य करते हैं कि वो कोई वस्तु क्या है या नहीं है, या व्यक्ति क्या है या नहीं है। तो ध्यान दीजिए प्रेडिकेट क्या है, तो ये भी इट इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी एक शब्द में मिलता है और शब्दों के समूह में मिलता है। विच
से या सीज समथिंग इन द सेंटेंस, जो कुछ कहता है वाक्य में, कुछ कहता है, दैट इज कॉल्ड प्रीडिकेट। या ये भी कह सकते हैं विच सेज समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, अबाउट सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, इन द सेंटेंस। यानी यह वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है, यानी यह ये भी एक शब्द में होता है और शब्दों के समूह में भी पाया जाता है, जो वाक्य में कुछ कहता है उसे, जो वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है उसे प्रीडिकेट कहा जाता है। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए तो हम लोग दो पार्ट में हमको लेना पड़ेगा यहाँ पर, एक सब्जेक्ट, अब दोनों को हम लोग एक साथ समझ लें, एक सब्जेक्ट का पार्ट लेते हैं और एक प्रीडिकेट का पार्ट लेते हैं। अब ये दोनों पार्ट को हम लोग ऐड करने जा रहे हैं। जैसे आई थोड़ा इधर लिख देते हैं प्रीडिकेट को, या उधर ही ठीक होगा प्रीडिकेट। तो देखिए आई, आई नो, ये दो पार्ट में मैं कर दे रहा हूँ, आई 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 हेल्प द पुअर। या हम लोग सबसे पहले हम लोग एक शब्द वाले को पढ़ें, आई नो, मैं जानता हूँ। तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट हुआ और एक प्रीडिकेट यानी एक शब्द में हो गया, यानी कि भव हो या भव के साथ और भी शब्द हो तो वो सब प्रीडिकेट ही कहलाता है, यानी सब्जेक्ट को छोड़ बाकी जो पार्ट्स हैं वाक्य वो प्रीडिकेट कहलाते हैं। इसलिए सब्जेक्ट निकाल लिए तो भव जो बचा वो प्रीडिकेट हुआ। दे प्ले, वे लोग खेलते हैं, ये प्रीडिकेट हुआ, यानी एक एक शब्द में, यानी एक शब्द का सब्जेक्ट भी होता है और एक शब्द का प्रीडिकेट भी होता है। ये जरूरी नहीं है कि एक शब्द इधर भी हो तो इधर भी हो, यहाँ दो से अधिक भी शब्द हो सकता है, इधर एक शब्द भी हो सकता है, इधर दो से अधिक शब्द हो सकता है, इधर भी एक शब्द में भी हो सकता है। जैसे जैसे द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, स्टूडेंट मीन्स लगाना पड़ेगा, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर लेबोरियस। तो यहाँ देखिए दो पार्ट में आया, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5 वर्ड्स का हुआ, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट हो गया और यहाँ भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में हो गया, यानी कि सब्जेक्ट एक शब्द में भी होता है और शब्दों के समूह में भी होता है, और प्रीडिकेट भी एक शब्द में होगा और या शब्दों के समूह में भी होता है। जैसे और भी दे दीजिए, राम बॉट पेन कॉपी एंड बुक, यानी राम एक कलम, एक कॉपी तथा एक किताब खरीदा। तो यहाँ देखिए हमारा जो प्रीडिकेट हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6 छः शब्द में हुआ, यानी शब्दों के समूह में आ गया और यहाँ पर एक ही शब्द में हुआ, यानी कि सब्जेक्ट एक शब्द में यहाँ दिखा और ग्रुप ऑफ वर्ड्स में प्रीडिकेट दिखा, तो इसे सब्जेक्ट और प्रीडिकेट कहा जाता है। यहाँ द ए स्मॉल इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल गर्ल्स आर डांसिंग, यहाँ पर छोटी तेज और सुंदर लड़कियाँ नाच रही है। तो यहाँ देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स में हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स शब्द में सब्जेक्ट हुआ और यहाँ 2 शब्द में प्रीडिकेट हुआ। तो ऐसे दोनों जोड़ को ग्रुप वर्ड्स
भी कह सकते हैं या इसको सब्जेक्ट या प्रेडिकेट भी कहा जाता है, यानी कि सेंटेंस भी शब्दों के ही समूह में होता है, यानी कि ये भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी पूरे सेंटेंस को मिला जाए तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों मिलकर के ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुए, या अलग अलग बात किया जाए तो सब्जेक्ट भी अपना एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स बना लेता है, प्रेडिकेट भी बना लेता है, या सब्जेक्ट भी एक शब्द में होता है, प्रेडिकेट भी एक शब्द में होता है। तो ऐसे दोनों के तालमेल को सब्जेक्ट तथा प्रेडिकेट कहा जाता है। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के ये जो तालमेल हैं ये अजब गजब रूप दिखते हैं। ये तो यहाँ दिखा, अच्छा दिखा, यानी हमारा जनरली जो सब्जेक्ट होता है हमारा शुरू में ही मिलता है, उस तरह से इसमें दिखा। लेकिन जब इसका रूप हमें थोड़ा अजब गजब दिखने लगता है, यानी कि थोड़ा सा हम डिफरेंस इसका रूप देखने लगते हैं, जैसे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ और यहाँ आप नोट कर सकते हैं कि कभी कभी, या ये भी कह सकते हैं आम तौर पर, सब्जेक्ट किसी वाक्य के शुरू में होता है और तब प्रेडिकेट होता है। लेकिन कभी कभी यहाँ पर कह सकते हैं, कभी कभी जोर देने के लिए, वाक्यों पर जोर देने के लिए सब्जेक्ट को वाक्य के अंत में भी रखा जाता है। जैसे यहाँ आप नोट में ये लिख लीजिएगा कि कभी कभी वाक्यों पर जोर डालने के लिए सब्जेक्ट को वाक्य के अंत में भी लिखा जाता है या प्रयोग किया जाता है। जैसे बेयर फुटेड, यानी कह सकते हैं इसको नंगा पैर, बेयर फुटेड केम द बेगर, या बेयर फुटेड केम द, या बेयर फुटेड केम सुदामा, ऐसा आपको कहानी में देखने को मिल जाएगा, यानी खाली पैर सुदामा ने आए, या खाली पैर बेगर ने आए यहाँ पर, या कह सकते हैं खाली पैर भिखारी आया और वहाँ पर खाली पैर सुदामा ने आया, यानी सुदामा खाली पैर आने की बात कह सकते हैं, और यहाँ पर बेगर की बात कह रहे हैं तो हम लोग भिखारी खाली पैर आया। तो यहाँ पर हमारा देखें तो ये जो दोनों रूप है ये प्रेडिकेट क्या है और यहाँ पर सब्जेक्ट है, यानी कि हम लोग थोड़ा जोर डाल रहे हैं कि वो आया कैसे, तो खाली पैर आया। कुछ आप अजब मीन्स उस सेंटेंस को, यानी उसको देख करके आपको ऐसा लगा, इतना दूसरे ऐसा फील हुआ कि आप सेंटेंस के सब्जेक्ट को शायद भूल कर या इतना जोर डाले कि हमारा पहले उसका जो नज़र आया उसका अलग रूप उसको प्रयोग कर दिए और तब जाकर सब्जेक्ट को आप प्रयोग किए। तो ये सेंटेंस पर जोर डालने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, कभी 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 हम लोग सेंटेंस को एकाएक आवश्यकता होता है बोलने के लिए, उसमें भी ऐसा बात निकल जाता है सरप्राइज के तौर पर। तो कभी कभी, अगला पॉइंट ध्यान रखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि सेंटेंस हमारा बीच में भी मिलता है। जैसे अब ये सेंटेंस हमारा, इसमें भी कह सकते हैं कि सेंटेंस पर जोर डालने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। जैसे आफ्टर अ लॉन्ग बैटल, यानी लंबी लड़ाई के बाद, द इनेमी एट लिस्ट SURRENDERED सरेंडर्ड, यानी आफ्टर ए लॉन्ग बैटल, यानी लंबी लड़ाई के बाद, इनेमीज, यहाँ देखिए यहाँ पर हमारा प्रेडिकेट एक आया, सब्जेक्ट हमारा यहाँ आ गया, और सब्जेक्ट को निकाली तो बाकी जो हिस्सा बचा वो प्रेडिकेट ही हुआ, यानी कि हम सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते हैं आफ्टर अ लॉन्ग बैटल एटलीस्ट, या कह सकते हैं द इनेमी एटलीस्ट सरेंडर, या सरेंडर्ड आफ्टर अ लॉन्ग बैटल। फिर से समझिए, द इनेमी एटलीस्ट सरेंडर्ड आफ्टर अ लॉन्ग बैटल, यानी कि लंबी लड़ाई के बाद इनेमी है यानी दुश्मन है वो
अंततः वो सरेंडर कर ही दिया। इसको ऐसे भी कह सकते हैं द बेगर केम वेयरफुट या वेयरफुटेड, यानी बेगर ने नंगा पैर आया। कभी कभी यानी यहाँ क्या मिला कि सेंटेंस के अंत में मिला, यहाँ सेंटेंस के सब्जेक्ट बीच में मिला, और कभी कभी सेंटेंस के बीच में ये भी मिल सकता है। जैसे हम लोग इंटोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जैसे हैज ही बीन प्लेड फॉर 2 hours, यानी क्या वो 2 घंटों से खेल चुका है या खेलते आ रहा है, आईएनजी कर दीजिए। क्या वह 2 घंटा से खेलते आ रहा है या खेल रहा है, तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट आया वो सेंटेंस के बीच में ही आया, यानी इंटोगेटिव सेंटेंस में भी जनरली हमारा बीच में मिलता है। कभी कभी सेंटेंस का रूप ऐसा भी मिलता है जो सेंटेंस के अंत में भी मिलता है, तो वो किस कंडीशन में मिलता है, तो ध्यान देखिए कि जब कोई सेंटेंस देयर से शुरू करते हैं, तो देयर से सेंटेंस शुरू करते हैं तो और उसके बाद एक वर्ब का प्रयोग करते हैं, और ये चाहे वो वर्ब एक्चुअली वर्ब हो या मेन वर्ब हो, उसके बाद यहाँ जो नाउन आता है और इसके बाद अदर वर्ड्स आ भी सकते हैं यहाँ पर, तो यही वाक का मेन सब्जेक्ट माना जाता है। ऐसे तो आमतौर पर यहाँ पर सब्जेक्ट देखने के लिए यहाँ शुरू में देयर का प्रयोग हुआ है, लेकिन देयर वाले किसी भी सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट हमारा वर्ब के बाद प्रयुक्त नाउन ही होता है। जैसे देयर वॉज अ किंग देयर, वहाँ एक राजा रहता था, तो यहाँ एक्चुअली वर्ब है, एक्चुअली वर्ब के बाद यहाँ जो नाउन आ रहा है वही या यही वाक का हमारा मेन सब्जेक्ट हुआ। ऐसे भी प्रश्न कर सकते हैं कि इस सब्जेक्ट को पता करने के लिए कौन सा प्रश्न किया जाता है, तो उस जो आने वाला उत्तर जो होता है वाक का सब्जेक्ट होता है। ये हम लोग हिंदी में पहचान के तौर पर पढ़ेंगे डिटेल में। तो ध्यान दीजिए, कौन देयर वॉज अ किंग देयर, वहाँ कौन था या कौन रहता था, तो उत्तर हमारा जो आएगा वो अ किंग रहता था, इसलिए ये सब्जेक्ट हमारा किंग हुआ और किंग एक नाउन है। कभी कभी सब्जेक्ट, कभी कभी सब्जेक्ट हमारा ईट के बाद में जो वर्ब आता है उसके बाद एक एडजेक्टिव आता है, और एडजेक्टिव के बाद यहाँ इन्फिनिटिव के रूप में कोई शब्द आते हैं, वही वाक का सब्जेक्ट होता है। जैसे मेन सब्जेक्ट कह सकते हैं इट इज डिफिकल्ट टू से, कहना कठिन है। यहाँ हिंदी देखिए, हिंदी से पहचान में आ जाएगा, कहना कठिन है, तो क्या है, तो कहना, सॉरी से या करना थोड़ा अच्छा लगेगा, करना कठिन है, यानी इट इज़ डिफिकल्ट टू डू, करना कठिन है, और इट इज ईजी टू से, तो टू से वहाँ हो जाता है, यदि से लिखते तो यहाँ पर, यहाँ टू डू, तो टू डू यानी करना जो है कठिन है, तो करना यहाँ वाक का सब्जेक्ट हुआ इन्फिनिटिव के रूप में। कभी कभी इम्परेटिव सेंटेंस में या इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आई एम पी ई आर ए टी आई वी, इम्परेटिव सेंटेंस, कभी कभी इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा छिपा होता है यू के रूप में, और सेंटेंस भीवन से शुरू होता है, यानी यू यहाँ नहीं होता है, भीवन प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट और फुल स्टॉप होता है। जैसे फुल स्टॉप है, जैसे हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, तो यहाँ कौन करो, तो यू, सामने वाले व्यक्ति, इसलिए यहाँ पर यू छिपा हुआ है, तो सब्जेक्ट हमारा यू छिपा हुआ होता है। ऐसे सेंटेंस में हमें समझना पड़ता है कि यू ही होता है, क्योंकि यहाँ भीवन से शुरू है और भीवन से शुरू है, भीवन पूर्ण रूप में होता है, इसलिए सब्जेक्ट यहाँ यू हमेशा यू ही पूर्ण रूप में माना जाता है, क्योंकि यू पूर्ण ही माना जाता है अंग्रेजी में।
सिंगुलर नहीं माना जाता है, चाहे वो सिंगुलर रूप में यू को भले ही प्रयोग कर ले हम, लेकिन उसको प्लुरल ही मानते हैं। कम इन टाइम, समय पर आओ, तो यहाँ पर यू कम इन टाइम, या गो एक शब्द में भी हो सकता है। और ये सब ये जो सब्जेक्ट छिपा है, इसका मतलब कि सब्जेक्ट जब छिप गया तो ये बाकी जो पार्ट बचा वो क्या है, प्रेडिकेट हुआ। यानी कभी कभी सेंटेंस में केवल प्रेडिकेट ही देखते हैं, सब्जेक्ट नहीं दिखाई देता है, तो ऐसे सेंटेंस को समझिएगा को इंपरेटिव सेंटेंस है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। और ये गो, गो का मतलब यहाँ पर यदि गो एक शब्द में है तो एक शब्द में होने का मतलब है कि गो बराबर हुआ यू गो, यहाँ पर कम बराबर हुआ यू कम इन टाइम, समय पर आओ। यहाँ पर हेल्प द पुअर यानी यू कम का मतलब हुआ कम, इन टाइम का मतलब हुआ यू कम इन टाइम, और यहाँ पर हेल्प द पुअर का मतलब हुआ यू हेल्प द पुअर। तो उम्मीद करता हूँ, लिख लीजिए यू हेल्प द पुअर, थोड़ा यहाँ इन की कमी लग रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।